40,000 रुपए से अधिक का मेकअप कराने के बाद होने वाली एक दुल्हन बिना बिल दिए ब्यूटी पार्लर से फरार हो गई। 2 हफ्ते बाद उसकी शादी थी और शादी की तैयारी के सिलसिले में ही वह पार्लर आई थी। पार्लर की मालकिन ने बिल नहीं चुकाने की शिकायत पुलिस से कर दी, जिसके बाद पुलिस उस लड़की की तलाश में जुट गई। पुलिस ने अब लड़की की तस्वीर को भी सार्वजनिक कर दिया है। न्यूज रिपोर्ट के अनुसार मामला ब्रिटेन के यॉर्क शहर का है, जहां शार्लोट ब्रिजेस नाम की लड़की अपना ब्यूटी सैलून चलाती है। शार्लोट ने बताया कि 28 सितंबर को एक लड़की ने उन्हें मैसेज किया और अर्जेंट अपॉइंटमेंट बुक की। उसे दावा किया कि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए वह बोटॉक्स और लिप फिलर करवाना चाहती है। शार्लोट ने लड़की का ट्रीटमेंट शुरू किया, जो करीब 2 घंटे चला। ट्रीटमेंट से पहले उन्होंने लड़की की कुछ तस्वीरें क्लिक की थी, ताकि बाद में उसे दिखाया जा सके कि मेकअप कितना बढ़िया हुआ है। लेकिन ट्रीटमेंट के बाद लड़की वहां से फरार हो गई। उसने 1 रुपया भी पेमेंट नहीं किया। इसके साथ ही एक और लड़की भी थी, जिसे वह अपनी बहन बता रही थी। इस घटना के बाद शार्लोट ने नॉर्थ यॉर्कशायर पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने आरोपी लड़की की तलाश शुरू कर दी। बीते दिन पुलिस ने कहा कि उन्होंने लड़की की पहचान कर ली है, लेकिन पुलिस ने यह नहीं बताया कि उससे पूछताछ की जा रही है या फिर उसे हिरासत में लिया गया है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।